गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? जो पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, रिप्रेजेंट्स रेशनल नंबर ऑन रियल लाइन। कैसे नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को हम लोग दिखाएंगे? इसके पहले मैं आपको सूचना दे देता हूँ कि बुक लिस्ट आपको मिल गया है, या इसके पहले जहाँ किताब खरीदे थे अलका बुक सेंटर में, वहाँ सारे बुक्स उपलब्ध हो गए हैं। आप टोटल बुक्स खरीद लें, जिससे कि सभी सब्जेक्ट का वीडियो आपको भेजा जा सकता है, और जो भेजा जा रहा है उसको आप बनाइए अभी, है ना, जितना जल्दी खरीद लीजिए। अब प्यारे बच्चों, इसको नंबर लाइन पर कैसे हम लोग शो करते हैं? सपोज डैट 3/7/3 रहेगा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन हम लोग खींचेंगे। तो लाइन का इसमें जीरो, जीरो के लेफ्ट साइड याद रखिएगा, जीरो के कहाँ लेफ्ट साइड पर है बच्चों, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, ये क्या चीज है, माइनस, व्हाट माइनस, लेफ्ट साइड माइनस, राइट साइड प्लस, प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, है ना, तो लेफ्ट साइड माइनस। तो आपको इसको यह लाइन बड़ा खींचना है, इस पर 1 2 3 4 5 3 3 4 5, है ना, जितना आप खींचे बड़ा खींचना है। लेकिन आपको डिनोमिनेटर पहले देख लीजिए, क्या देखेंगे, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना है, 3 है, तो प्रत्येक पार्ट को जैसे 0 से 1 इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो दो लाइन बीच में खींचेंगे बराबर डिस्टेंस पर, इक्वल डिस्टेंस पर, तो 1 पार्ट्स 2 पार्ट्स 3 पार्ट्स, देखिएगा 1 2 3 थ्री पार्ट्स हो गए कि नहीं हो गया। तो उसी तरह से सब में 3 पार्ट्स इसको बनाएंगे, इसको भी 3 पार्ट्स बनाएंगे। तो अब देख लीजिए, मतलब 3 पार्ट्स के मतलब क्या, ये जो हो गया फर्स्ट, ये जो देख रहे हैं, ये आपका 1/3 2/3 3/3 मतलब 1 4/3 5/3 6/3 6/3 मतलब 2 7/3, ये आपका 7/3 हो गया, 7/3, अंडरस्टैंड, इसको बड़ा करें, है ना। तो इस तरह से हो गया, बात समझ लीजिए, जितने डिनोमिनेटर रहेगा उतने पार्ट्स में अंदर इसको डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर क्या है, 3 है, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करते चल गए और काउंट करते चल गए, ये क्या चीज, 1/3 2/3 3/3 मीन्स 1 4/3 5/3 6/3 6/3 मीन्स 2 और 7/3, इसको डिनोट करने के लिए था, राइट। नाउ रिप्रेजेंट 3/33 - 5 ऑन रियल लाइन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लाइन ड्रॉ कर दिए, ये आपका 0 हुआ, राइट साइड प्लस, लेफ्ट साइड -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 हुआ कि नहीं, सब माइनस में है, -8, है ना। अब इसको डिनोमिनेटर 5 था, निगेटिव है इसलिए माइनस में ले रहे हैं, तो 5 है, तो प्रत्येक को 5 टाइम्स हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, देखिएगा यहाँ 1 2 3 4 5 बने, है ना, सब इधर राइट साइड, इधर इसके लेफ्ट साइड माइनस हो गया, राइट साइड प्लस हो गया, तो इधर कर दिए। अब आप देख लीजिए 36/5, तो आप समझ सकते हैं 36 इट मीन्स कितना, हाउ मेनी, 36 प्रत्येक 5 की है, तो ऐसे भी आप मैंने कर सकते हैं, इट मीन्स 36 में 5 7/5 क्या मैंने 1, इसलिए 7 के बाद होगा, 7 - 7 के बाद, है ना, हालांकि हम से काउंट कर सकते हैं छोटा वाला, है ना, किसको
जैसे ई 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 6/5, 5/5, 5/5 मतलब 5/5 माइनस में अगर इधर से आएगा ये तो 1 है, यहाँ से देखिए 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 माइनस में 5/5 मतलब 1 है ना। इस तरह से करेंगे तो करते करते यहाँ पर आपको 35 है, काउंट किए तो 35 से 35/5 मतलब क्या है A1 और 36/5 E1, 36/5 निगेटिव है, 36/5 अंडरस्टैंड, ये 36/5 इस तरह से करती है। तो हम इस तरह से लाइन पर हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। अब प्यारे बच्चों इसमें देखना है कि हु इज ग्रेटर, कौन ग्रेटर है उसको लिखना है। अब ए देख रहे हैं ग्रेटर चुनने के लिए माइन ए 5/6 है और 0 है, तो ए अगर पॉजिटिव है निगेटिव रहता तो ए ग्रेटर होता, तो ए पॉजिटिव है इसलिए ग्रेटर ए हो गया आपका। ग्रेटर लिख भी सकते हैं ग्रेटर इक्वल टू 5/6। अब ये दोनों में देखिए कौन ग्रेटर है, माइनस 3/5 है कि 0, तो निगेटिव है तो ए ग्रेटर हो गया, इसको ग्रेटर हम करते हैं ग्रेटर इक्वल टू 0। दोनों में कंपेरिजन करना है कि हु इज ग्रेटर, अंडरस्टैंड। अब इसमें देखिए कि हु इज ग्रेटर, अब एक ग्राम देखिए, अब देख रहे हैं, अब ये थोड़ा सा देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा है, 9/13 है और कितना है 7/12 है। अब हु इज ग्रेटर तो इसको क्या करना है कि आप क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए पहचानने के लिए, इसको ऐसे और इसको ऐसे, तो इसको मल्टीपल करेंगे इधर वाले तो कितना हो गया 108 माइनस है ना 108 ये हो गया, और इसको करते हैं तो 91 हुआ माइनस 91 ये माइनस। अब अपने देख सकते हैं कि निगेटिव में जो बड़ा रहता है वो छोटा होता है और जो छोटा रहता है बड़ा होता है, इट मीन्स इधर वाला क्या है ए ग्रेटर है, इट मीन्स ए ग्रेटर आपका हो गया, तो ग्रेटर कौन हो गया लिख देंगे ग्रेटर इक्वल टू 7/-12, क्योंकि निगेटिव में जो स्मॉल और ए जो है 13/7 है ना, वेरी गुड। अब तो ये जान गए कि कैसे ग्रेटर हम लोग चुनेंगे, कौन स्मॉलर है, एक हम ग्रेटर समझ गए ना ये ग्रेटर। अब क्या करना है कि रिप्रेजेंट करना है कि ग्रेटर देन इक्वल एंड स्मॉलर देन, तो मैं उसी प्रकार से मैं चुनने के लिए मैं बताया कि ग्रेटर चुनने के लिए जैसे अब ए है और यहां से ऐसे है, तो ये देख रहे ई भी माइनस है मतलब माइनस प्लस माइनस माइनस ये ऐसे भी कर सकते हैं, ये नहीं कि वही हो गया, ठीक है। तो अब इसमें करेंगे तो 9/8 = 16 माइनस 16 इधर आ गया और 5/3 = 15 माइनस 15 इधर है। अब आप अपने कर सकते हैं कि कौन हु इज ग्रेटर, ग्रेटर कौन हुआ, ये ग्रेटर हुआ और ये स्मॉलर हो गया, क्योंकि जो स्मॉल होता है निगेटिव में वही ग्रेटर होता है, तो इसमें कौन है। अब इसमें सिंबल हमको देना है तो सिंबल कैसे देंगे, ए इसको कैसे पढ़ेंगे, -2/3 इज स्मॉलर देन माइनस, हाँ तो इसको कैसे पढ़ेंगे, -2/3 इज स्मॉलर देन -5/8। अब इसको देख लीजिए 0 है और कितना है -3/5 है तो माइनस माइनस प्लस, ये देखने में लग रहा है निगेटिव है रेशनल नंबर बट इट इज नॉट निगेटिव, इट इज पॉजिटिव माइनस माइनस प्लस,
तो आप पॉजिटिव है तो जीरो से निश्चित है कि ग्रेटर है, तो जीरो इज स्मॉलर देन माइनस थ्री बाई माइनस फाइव या थ्री बाई फाइव है ना। तो अब असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग कैसे लिखेंगे कोई चीज को, ए असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए, तो एकदम रिलैक्स मूड में आप समझिए कि कैसे लिखेंगे। देख रहे हैं सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है और सब निगेटिव है, भले डिनोमिनेटर निगेटिव करे थे ए पॉजिटिव करते, लेकिन अब दोनों अगर जोड़िए प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस सब निगेटिव है, ऑल आर निगेटिव। तो क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 4, 12, 6, 14, 48 कितना एलसीएम आएगा 48। अब सब का डिनोमिनेटर 48 करिए, तो माइनस थ्री बाई फोर था फर्स्ट वाला, तो 12 से मल्टीपल किए तो 12 फोर जा 48, और ऊपर 12 से करेंगे तो -36। अब ये कितना है 5/12 है, तो 4 से मल्टीपल किए तो 4 12 फोर जा 48, और ऊपर भी 4 से करेंगे तो -20, फिर इसको करेंगे 3 से 16 3 जा 48, ऊपर भी 3 से करेंगे -21। अब 24 है लास्ट, तो 24 2 जा 48, ऊपर करेंगे तो -18। अब देख लीजिए, अब जानते हैं कि निगेटिव में जो सबसे ग्रेटर होता है वो सबसे स्मॉलर होगा, जो ग्रेटर होगा वो स्मॉलर होगा, अंडरस्टैंड। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर, तो अब एक सिस्टम में मैंने सजा दिया असेंडिंग सिस्टम में, मैंने इट इज स्मॉलेस्ट। वाई, बिकॉज मैंने बताया था कि जो सबसे ग्रेटर होता है वो स्मॉलर समझा जाता है निगेटिव में। सपोज दैट अगर आपको कह दिया जाए, यहां ध्यान दीजिए, कह दिया जाए कौन कि माइनस 10 ग्रेटर है कि माइनस 9 ग्रेटर है, तो 9 ग्रेटर होगा माइनस में, है ना। तो उसी तरह से इसमें हम लोगों को देख लेना है, तो इसमें देख रहे हैं कि ये लिख दिए, फिर इससे ग्रेटर था 21 है ना, फिर इससे ग्रेटर हु 20, फिर इससे ग्रेटर 18, माने इट इज स्मॉलर स्मॉलेस्ट इन ऑल एंड इट इज ग्रेटेस्ट ऑन ऑल इन ऑल, है ना। तो ये इट मीन्स 36 इट मीन्स कितना, माइनस थ्री बाई फोर, तो माइनस थ्री बाई फोर असेंडिंग में तो यही चीज में लिखेंगे, ये तो माने चेंज है, इसको फेस में चेंजिंग है, तो ये हो गया। और फिर इसके बाद 21 कौन है, -7/16, तो -7/16 है ना। फिर इसके बाद -20/48, तो 20/48 इट मीन्स कितना, -5/12 और 18/48 इट मीन्स व्हाट, 9/24 इट इज असेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए अगला क्वेश्चन डिसेंडिंग का आएगा, तो क्या करेंगे, इसी के शुरू में लिख देंगे, तब फिर ये लिखेंगे, तब फिर ये लिखेंगे, सबसे लास्ट में ये लिखेंगे। असेंडिंग आ गया तो डिसेंडिंग भी लिख देंगे, नहीं तो इस प्रकार से लिख देंगे। अब प्यारे बच्चों देखना है कि 7 कहता है कि -3/5 लेज ऑन द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन, कहता है कि ये -3/5 0 के लेफ्ट होगा। देखिए तो माइनस निगेटिव क्या होता है, 0 के लेफ्ट होता है, इट मीन्स ट्रू फॉल्स चुनना के लिए 7 में है, तो ये ट्रू है ना, ट्रू, क्योंकि निगेटिव इज ऑलवेज टू द लेफ्ट ऑफ 0, निगेटिव हमेशा क्या होगा 0 के लेफ्ट साइड होगा, अब पॉजिटिव राइट साइड होगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों कह रहा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 3 -3, तो कैसे, अब इस पे
तो एक चीज जान लीजिए, देयर आर इन्फिनिटिव रेशनल नंबर है ना, बिटवीन टू रेशनल नंबर, मैंने दो रेशनल नंबर के बीच एक दो नहीं असंख्य हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने क्या किया कि वी मे राइट थ्री है तो थ्री बाई वन माइनस थ्री बाई वन कर सकते, और फाइव कर रहा था सिक्स से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दिए तो बने, तो कितना हो गया माइनस एटीन बाई सिक्स, मैंने ये थ्री ही है लेकिन चेंज इनटू फेस बट नो चेंज इनटू वैल्यू, इसका फेस में परिवर्तन हो गया लेकिन वैल्यू उतने हैं, माइनस थ्री ही है। और माइनस टू को कैसे है, इसमें भी सिक्स से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दिया तो किया तो माइनस ट्वेल्व बाई सिक्स, माइनस ट्वेल्व बाई सिक्स। तो अब इसके बीच दोनों के बीच ये डिनोमिनेटर सेम है ना, तो ऊपर से आप लिख लीजिए पांच को, फाइव रेशनल नंबर कह रहा था कितना माइनस एटीन बाई सिक्स माइनस सिक्सटीन बाई सिक्स दोनों के बीच में है, माइनस फिफ्टीन बाई सिक्स माइनस फोर्टीन बाई सिक्स माइनस थर्टीन बाई सिक्स है ना, मैंने माइनस एटीन और ट्वेल्व के बीच में है, इसको लिख दिए। अब ये नहीं कि जो लिखे यही आंसर केवल हो सकता है क्योंकि उसके बीच असंख्य रेशनल नंबर है, तो और भी इसका क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है ना, और भी आंसर हो सकते हैं। तो इसलिए इसमें ये नहीं कि जो आंसर देवल है नहीं मिला तो गलत हो गया, नहीं, क्योंकि असंख्य है तो और भी हो सकता है। तो ये फाइव कह रहा था तो मैंने लिख दिया। अब प्यारे बच्चों एक चीज और इसमें दिखाएंगे, फाइंड फाइव रेशनल नंबर बिटवीन कितना कितना माइनस थ्री बाई फाइव एंड माइनस वन बाई थ्री, ये नोमरेटर दोनों के डिनोमिनेटर चेंज है तो उसमें हम हड़बड़ाएंगे नहीं, अगर वैसा रहेगा तो क्या करेंगे एलसीएम ऑफ फाइव और टू, तो फाइव टू का एलसीएम लेंगे तो टेन होगा, तो इसको थ्री बाई माइनस थ्री बाई फाइव को ऐसा करिए कि टेन हो जाए, तो टू से मल्टीपल ऊपर नीचे करेंगे तो फाइव टू जा टेन और थ्री टू जा सिक्स, और उसी तरह से माइनस वन बाई टू इसको भी टेन लाने के लिए फाइव से मल्टीपल ऊपर नीचे कर दिए तो माइनस फाइव बाई टेन, लेकिन बीच में फाइव लिखना है। अब डिनोमिनेटर सेम है लेकिन दोनों का डिस्टेंस सिक्स और माइनस फाइव के डिस्टेंस फाइव हो नहीं रहा, तो ऐसा करिए ना कि इसमें भी मैंने सिक्स से मल्टीपल ऊपर नीचे कर दी, कोई दिक्कत नहीं सिक्स से है ना, तो ये कितना हो गया माइनस थर्टी सिक्स, अब आई कितना सिक्सटी हो गया, और इसमें भी सिक्स से ऊपर नीचे कर देंगे तो कितना हो गया माइनस थर्टी अब आई सिक्स हो गया ना। अभी दोनों के बीच फाइव रेशनल नंबर कह रहा है तो फाइव रेशनल नंबर लिख दीजिए, फाइव रेशनल नंबर लिखना है लिख दीजिए कितना, अब इसके से लिखना है तो लिखना है यहां से कर दीजिए माने इससे कम, माने इट मीन्स कितना थर्टी फाइव बाई सिक्सटी माइनस थर्टी फोर बाई सिक्सटी माइनस थर्टी थ्री बाई सिक्सटी माइनस थर्टी टू बाई सिक्सटी माइनस वाट माइनस थर्टी वन बाई सिक्सटी, इस तरह से लिख सकते हैं है ना, तो ये भी हो सकता है और भी इसका रेशनल नंबर दोनों के बीच हो सकता है। अगर आंसर ये नहीं दिया रहे तो वो जो दिया है वो भी ठीक है ये भी ठीक, तो आप हड़बड़ाइए नहीं, इस तरह से टोटल बना देना। प्यारे बच्चों मैंने कहा था बुक खरीदने के लिए, तो आपका अलका बुक सेंटर में आ गया है, इसलिए खरीदिए जिससे कि सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई हो सके।